हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आए सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि सीएससीबी जेई का एग्जाम डेट रिवील हो गया था कि 4 फरवरी को सीएससीबी जेई और ए का एग्जाम आपके पास होने वाला है। 4 फरवरी को अब वो आपके पास डेट आपकी कैंसल कर दी गई है। जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो अब से तैयारी करना चाहता है, और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा टाइम मिल गया। अब आपको जो भी 25 एज का था, हम तो उसके लिए भी तैयार थे, हम तो वन शॉट लेके आ गए थे बेटा, उसके लिए हम तैयार हो गए थे। और जो हमारे पास अब जो उन्होंने नई एग्जाम डेट रिवील की गई है, वो एग्जाम डेट रिवील की है बेटा, आपके पास 3 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। तो आपके पास एक भरपूर टाइम मिल गया है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने का। उसी दिन आपका जेई का एग्जाम होगा, उसी दिन आपके पास ए का एग्जाम होगा। हम 25 डेज के मान के चल रहे थे कि 25 डेज हमारे पास है, उसमें भी हम प्रिपरेशन करने को तैयार थे अच्छे तरीके से। जैसा कि मैं पहले पुराने वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने एक ही बात बोली थी कि फरवरी मार्च तक आपका पेपर जाएगा, तो पहले उन्होंने फरवरी में निकाल दिया, अब उन्होंने वो गेट के एग्जाम के कारण ये चीजें चेंज कर दी और उन्होंने मार्च के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दिया है। अब हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमारे वन शॉट में कल बच्चे एनरोलमेंट हुए, आज मैंने रात को 8 बजे सेशन भी रख रखा है। अब आपके पास इसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि कैसे हमको प्रिपरेशन करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक ऑप्ट नहीं किया बेटा, जाके मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो बेटा तैयारी शुरू कर दीजिएगा, आपको टाइम मिल गया है और एग्जाम डेट आपकी रिवील हो गई है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके, अब आपके पास एग्जाम डेट है, आपके पास प्रॉपरली 2 महीने, मतलब 2 महीने के आप 50 दिन का टाइम मानिएगा, 50 दिन का आपको प्रॉपरली आपको टाइम मिल रहा है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे भाई। ओके, तो चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।